Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Rahul and you are watching Rahul Patil Arts. Guys, today we are going to draw a realistic water drop. So let's start. Friends, सबसे पहले हम outlines draw कर लेते हैं और outlines draw करते टाइम मैं video time lapse कर देते हैं ताकि video boring ना हो और outlines draw करने के बाद हम सबसे पहले draw करेंगे हाईलाइट पॉइंट. जिन पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना है वो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे. सो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं हाईलाइटेड पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ. गाइस, हाईलाइट के बाद हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग. शेडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सकुरा की मैकेनिकल पेंसिल 0.5 और इसमें ग्रेड है HB ग्रेड से. मैं धीरे धीरे पेशेंसली ड्रॉ कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी शेडिंग टेक्निक्स इम्प्रूव करना है सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड यू कैन ट्राई इन योर ड्राइंग. सो यू हैव टू ड्रॉ डेली बेसिस. आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. धीरे धीरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप स्टिल लाइफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. लाइट टू डार्क शेडिंग, डार्क टू लाइट, ये प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मेथड है. आप डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पेशेंसली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं कितने पेशेंस के साथ ड्रॉ करना पड़ता है. मेक श्योर गाइस, आपको हाईलाइटेड एरिया के साइड में ध्यान से ड्रॉ करना है. आपके अपने फोटोग्राफ को सही से ऑब्जर्व करके कितना डार्क फोटोग्राफ है, कितना लाइट, कितनी डार्क शेडिंग करनी है वहाँ पर, कितना लाइट शेडिंग करनी है, ये आपको अपने फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है. मैकेनिकल पेंसिल से फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने स्टेल्डर की 3B से अपनी ड्राइंग को और डार्क कर रहा हूँ. फ्रेंड, 3B से ड्रॉ करने के बाद आउटर लेयर्स को और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैंने यूज़ किया है 8B. स्टेल्डर की 8B पेंसिल का मैंने यूज़ किया है. ये स्टेल्डर की पेंसिल मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और अभी मेरे पास कमीशन वर्क स्टार्ट हुए थे तो मैंने स्टेल्डर की पेंसिल थोड़ी कॉस्टली होती है तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं किस तरह से होता है. काफ़ी सुना था इनके बारे में, बट फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट आप सिर्फ कमीशन वर्क में इनका यूज़ करें. आप बिगिनर हैं तो नॉर्मल आर्ट लाइन की पेंसिल या कोई भी चीप पेंसिल यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं. फ्रेंड्स, सकुरा की पेंसिल की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है और इनसे शेडिंग में हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं. जैसे कि फ्रेंड, मैं अभी आर्ट लाइन पेंसिल यूज़ कर रहा था तो आर्ट लाइन से मुझे ये बहुत बढ़िया लगी. अभी ऑब्वियसली ये उससे तो बढ़िया ही होगी क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है. एंड फ्रेंड, मेक श्योर ये वीडियो कोई पेड और स्पॉन्सर नहीं है. मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरा पर्सनल रिव्यू. फ्रेंड्स, आप हाईलाइट के लिए नीडेड इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं. ये काफ़ी अच्छे से ग्रेफाइट को ऑप्ट करती है. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा वाटर ड्रॉप कंप्लीट हो चुका है. आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है. एंड मैंने लास्टली 10B पेंसिल का यूज़ किया आर्ट लाइन की, इसको डार्क और ज़्यादा डार्क करने के लिए. 10B पेंसिल ज़्यादा डार्क थी 8B स्टैंडर्ड की 8B से. एंड फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें.
और अगर आप किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्केच योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।